नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार, आप लोग का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल उस्ताद। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कि भीम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए और वो एंड्रॉयड फ़ोन में लगा हुआ होना चाहिए जिसमें आप भीम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मतलब वो जो मोबाइल पे आपके बैंक के SMS वगैरह आते हैं, वो मोबाइल नंबर। उसके बाद सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा भीम, BHIM भीम। जैसे ही भीम एप्लीकेशन मिलेगा आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। जैसे अभी ओपन का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये लैंग्वेज पूछेगा, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश में करके जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर एक बार और वेलकम टू भीम, ये वेलकम मैसेज है, इस पर आप नेक्स्ट करना है। एक और है सिक्योर सिंपल सुपर फास्ट, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिक्योर है, बहुत आसान है और बहुत जल्दी इससे पेमेंट होता है। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी ये पूछेगा कि इसको परमिशन चाहिए आपके फ़ोन से SMS और फ़ोन कॉल्स के लिए, तो यहाँ पे नीचे बटन है लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर टच करना है। ये पूछ रहा है भीम को फ़ोन कॉल्स की अनुमति चाहिए, आप इसको अलाउ कीजिए। भीम को SMS की अनुमति चाहिए, आप इसको भी अलाउ कीजिए। अभी ये वेरीफाई मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, वो SIM 1 में हो या SIM 2 में हो, जो भी हो आप उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है, आपका सिम वेरीफाई होगा। कुछ समय लगते हैं वेरीफाई होने में, जैसे वेरीफाई मोबाइल वेरीफाइड का मैसेज आ गया यहाँ पे। इसके बाद पासकोड, पासकोड ये होता है जैसे एक तरह का एप्लीकेशन लॉगर होता है, उस टाइप से ही आप भीम एप्लीकेशन के अंदर इंटर होने के लिए पासकोड की जा सकता है। मैंने पहले ही भीम एप्लीकेशन को एक्सेस कर रखा है इसलिए इसमें पासवर्ड मेरे को पता है मैंने क्या बना रखा है। अदरवाइज यहाँ पे पासवर्ड जो भी आप 4 अक्षर का पिन डालेंगे उसको आप एक बार डाल के जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको री इंटर करना पड़ेगा पिन, वो सेम पिन। और वो जैसे ही दूसरी बार आप वो 4 अक्षर का पिन इंटर करके नेक्स्ट करते हैं तो इस प्रकार का विंडो खुल जाएगा। ये जैसे आप इस एप्लीकेशन में, आपको ऊपर से जो भी स्क्रीन पे उसके बारे में बता रहा हूँ। ये है पंजाब नेशनल बैंक का बैनर, मतलब कि मैंने अपने इस एप्लीकेशन में अपने मोबाइल में PNB का एक्टिवेट किया हुआ है अभी भीम NPCI। आपके जिस भी बैंक, ये अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया होता तो जैसे मोबाइल वेरीफाइड हुआ उसके बाद आपको एक बैंक का लिस्ट खुल जाता है, उसके अंदर जो भी आपके बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है उस बैंक को जैसे ही चूज करेंगे आपका मोबाइल नंबर पर जो भी अकाउंट लिंक होगा और जितने भी अकाउंट लिंक होंगे सारे लिस्ट डिस्प्ले कर देंगे। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ऊपर ये बैनर है, ये जो घंटी दिख रही है बेल, ये मतलब नोटिफिकेशन बेल है। कोई भी नोटिफिकेशन आपकी आती है तो वो आप देख सकते हैं। उसके जस्ट बगल में दाहिने साइड में ऊपर में एक 3 डॉट दिया है, इसको ऑप्शन मेनू है, यहाँ पे टच करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, चूज लैंग्वेज, चेंज सिम, जनरेट QR कोड, सेंड फीडबैक, फ्रेंकली आस्क क्वेश्चन अबाउट अस और लॉग आउट। लॉग आउट मतलब एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। नीचे है सेंड रिक्वेस्ट स्कैन एंड पे, सेंड में पैसे भेजने के लिए रिक्वेस्ट, किसी से पैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मांग सकते हैं। स्कैन एंड पे, कहीं पे QR कोड लगा हुआ है तो आप उसके स्कैन करके पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के अंदर वो चीज़ दिखाई जाती है जो भी आपने किसी को पैसे भेजे हैं या किसी से मंगाए हैं तो वो इसके अंदर दिखाई देगी। प्रोफाइल, प्रोफाइल में आपके अकाउंट डिटेल्स दिखाएंगे। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जैसे आप टच करेंगे, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर का फर्स्ट का और लास्ट का डिजिट दिखाई दे रहा है, IFSC कोड, और ये 6 डिजिट UPI पिन एग्जिस्ट। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने अपना UPI पिन बना रखा है। अगर आप इसको दोबारा बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए और फर्स्ट टाइम ही एक्सेस करने के लिए आपके पास आपका ATM होना चाहिए जो उस बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। अभी मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि अकाउंट चेंज का जो प्रोसेस है वो। अभी यहाँ पे ऊपर में दाहिने साइड में जो एक ऑप्शन मेनू है इस पर आप टच करेंगे, चेंज अकाउंट ऑप्शन है, आप चेंज अकाउंट पे क्लिक करेंगे। पूछेगा प्रोसीड, आर यू श्योर कि आप कंफर्म अपना अकाउंट चेंज करना चाहते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था एक बैंक की लिस्ट खुलती है, ये ऑल बैंक्स की लिस्ट, जो भी बैंक
NPCI या UPI से रजिस्टर्ड है उस बैंक की लिस्ट है। जैसे मैं अभी मेरा PNB में था, मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट मेरा उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो SBI अकाउंट पर जैसे टच करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, जितने भी मेरे बैंक अकाउंट्स हैं SBI में और मोबाइल नंबर सेम रजिस्टर्ड है, वो तीन मेरे अकाउंट है और तीनों दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे। मैं सबसे ऊपर वाले जो भी अकाउंट को आप एक्सेस करना चाहें उसको कर सकते हैं। मैं इसको एक्सेस करता हूँ, अकाउंट चेंज सक्सेसफुली का एक मैसेज आ गया। फिर बैंक अकाउंट पर जाना है, यहाँ पे आपका फिर वही दिखा रहा है, 6 डिजिट UPI पिन एग्जिस्ट। अगर आपका UPI पिन नहीं होगा तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। जब मैं रिसेट कर रहा हूँ, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास अपना वो ATM कार्ड होना चाहिए जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो इसमें ऊपर में लास्ट 6 डिजिट जो है आपके डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 अक्षर, आखिरी के 6 अक्षर जो है आपके ATM कार्ड के, वो इसमें इंटर करने। जैसे मैं अपना इंटर करता हूँ, उसके बाद आपको वैलिड अप टू ATM का एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर क्या है, तो वो जो आपके ATM पे होगा आप अपना उससे इंटर कर देंगे। और इसको जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे OTP पूछेगा, एक इंटर OTP, OTP ऑटोमेटिकली इसमें डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही मैसेज आपके मोबाइल में आएंगे, ये OTP ऑटोमेटिक ले लेगा। और सेट UPI, UPI में 6 नंबर का कोई भी पिन आप सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इंटर करेंगे और ओके करेंगे, आपसे पुनः एक बार कन्फर्म UPI पिन का ऑप्शन आएगा। कन्फर्म UPI पिन, दोबारा सेम वही पिन आप एंटर करेंगे। और जैसे ही ओके करेंगे, UPI पिन रिसेट डन सक्सेसफुली एक मैसेज डिस्प्ले करेगा और आपका पिन सेट हो गया। आप रिक्वेस्ट बैलेंस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट बैलेंस आप किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करेंगे, एक्सेप्ट आप अगर बैलेंस भी देखना चाहेंगे तो भी आपको अपना UPI पिन डालना पड़ेगा। जैसे UPI पिन डाल के आप ओके करेंगे, आपका बैलेंस दिखा देगा। बैक चलते हैं दोस्तों, किसी को अगर पैसे भेजने हैं तो हमें सेंड पे जाना है। मोबाइल नंबर पे पेमेंट करना है तो आप मोबाइल नंबर एंटर करके सर्च कर सकते हैं किसी को, और वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये मोबाइल नंबर, अगर UPI पर रजिस्टर्ड होगा तो वेरीफाई करते ही उसका नाम दिखाई दे देगा और बैंक अकाउंट डिटेल्स। इस पे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जैसे ही वो मैंने वेरीफाई किया वो बता दिया ये मोबाइल नंबर जो है मनोज कुमार जी का है और ये अकाउंट लिंक है। दूसरा तरीका, अगर आपके पास पेमेंट एड्रेस या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये जो नीचे साइड में ऑप्शन बटन है दाहिने साइड पे, इसको आप जैसे ही टच करेंगे, आधार पे और अकाउंट प्लस IFSC, आप आधार नंबर से भी पे कर सकते हैं। जो आधार नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा उस खाते में पैसे चले जाएंगे। या आपके पास आधार नंबर भी नहीं है तो अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट प्लस IFSC क्लिक किया हमने, बेनिफिशियरी नेम जिसको भेजना है उसका नाम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर आपको दो बार एंटर करने हैं। उसके बाद आपको बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। एंटर करके जैसे ही आप सेंड करेंगे, अगले बॉक्स में आपसे पूछेगा कितने रुपए अमाउंट, अमाउंट में आप जितना पैसा भेजना चाहते हैं। आप इसमें एक दिन में मैक्सिमम 20,000 और एक बार में मैक्सिमम 10,000, अगर आपको 20,000 भेजने होंगे तो 10-10,000 करके दो बार में भेज सकते हैं, और पूरे दिन में मैक्सिमम 20,000 ही भेज सकते हैं। इसमें कोई चार्जेस नहीं है पैसे सेंड करने के। तो ये तरीका है, इसमें जैसे ही आप डिटेल फिट करके सेंड करेंगे, आपसे आपको अमाउंट पूछेगा और एक रिमार्क का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ किसी को पैसे भेज करके, सपोज मैं डालता हूँ पैसे, शांत कुमार को, मैं खुद ही दूसरे अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ। अकाउंट नंबर एंटर करता हूँ, मोबाइल IFSC कोड, जैसे ही सेंड करेंगे ये दिखाई दे देगा किसके नाम पर अकाउंट है जो भी आपने फिट किया। अमाउंट, अमाउंट जैसे आप 1 रुपये भी भेज सकते हैं, रिमार्क में कुछ भी टेस्ट लिख दीजिए या जो भी लिख दीजिए अपना मर्जी है। सेव फॉर फ्यूचर, अगर आपके साथ उसको कॉरेस्पॉन्डेंस करने, लगातार ट्रांजेक्शन करने हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं। और आप यहां से पे कर, जैसे ही पे करेंगे आपको UPI पिन मांगेगा। मैंने पहले ही बताया था
कि यूपीआई पिन किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको एंटर करने होंगे। अपने यूपीआई पिन डाल के जैसे ही आप ओके करेंगे, कुड नॉट सेंड, प्लीज़ वेरीफाई पेमेंट एड्रेस, इसमें कुछ गड़बड़ होगी इसलिए सेंड नहीं हुआ, नहीं तो मनी सेंड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, गो टू होम। इस प्रकार आप सेंड कर सकते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। आप ट्रांजेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे, ये फेलियर है, इससे पहले मैंने किए हैं, भेजे हैं, एक और भेजे हैं, ये किसी से मंगाए हैं। इस प्रकार से आप पैसे भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स दिखाई देगा, आप किसी से पेमेंट लेना चाहते हैं तो ये आपका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके कोई आपको पे कर सकता है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपका यूपीआई पेमेंट एड्रेस जो है आपका मोबाइल नंबर होता है, @UPI होता है, बैक करेंगे। तो ये था दोस्तों भीम एप्लीकेशन यूज़ करने का तरीका। इसको बंद करने के लिए फिर से ऑप्शन बटन पर जाना पड़ेगा, यहाँ लॉगआउट दिख रहा है सबसे नीचे, आप लॉगआउट पर जैसे ही टच करेंगे ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा और वापस पासवर्ड के पास आ जाएगा। आप दोबारा एक्सेस करना चाहते हैं तो अपना पासवर्ड एंटर करके एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका भीम एप्लीकेशन यूज़ करने का, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वाइड पब्लिसिटी दें। थैंक यू।